हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, 1 रुपये में मोबाइल, 2 रुपये में मोबाइल, 1 रुपये में लैपटॉप, 2 रुपये में लैपटॉप, ऐसे जो फ्रॉड होते हैं बहुत सारे, उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं। और बहुत सारा, जैसा आप लोग बहुत सारा सुने होंगे न्यूज़ में, टीवी पे, कहीं भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आपने पैसे बैंक में ट्रांसफ़र किए, आपको ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हुई, आपका सामान आपको नहीं मिला, या तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो सब पैसे कहाँ गए। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आप उससे सिक्योर रह सकते हैं और आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये सब जो वेबसाइटें होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखती भी हैं एकदम जेन्युइन जैसी, बिल्कुल कॉपी होती हैं, बिल्कुल कॉपी क्लोन होती हैं पूरी दूसरे वेबसाइट की, और वहाँ पे आप लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ पे सब कुछ शो हो भी रहा होता है कि नहीं ये सामान इतने में मिल रहा है। तो उसी से हम लोग कैसे बचते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी वीडियो आप देख रहे हो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और सजेशन कमेंट आप हमेशा करते रहिए। तो बात करते हैं हम लोग कैसे हम लोग बचते हैं इससे। तो आपने सुना होगा या आपके पास मैसेज आता है कि इस लिंक पे आप लोग वेबसाइट पर क्लिक करिए, अमेजन की ही या किसी की भी वेबसाइट खुल जाती है, वहाँ पे शो भी हो रहा होता है कि मोबाइल 1 रुपये में है, 2 रुपये का लैपटॉप मिल रहा है और टैबलेट मिल रहा है इतने का। आप उस पर आप लोग क्लिक करते हैं और पैसा डालने के लिए भी आता है, और वहाँ पे सब कुछ अपनी आप डिटेल भर देते हैं, सारी इन्फो डाल देते हैं, और सारा पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक इंटरनेट की सबसे बड़ी जो ट्रिक है, सिंपल सी है, वो आप करके देख सकते हैं। जैसे हम जैसे कोई भी सामान जनरली लोग किससे खरीद रहे हैं, अमेजन से खरीद रहे हैं ना, तो हम लोग अमेजन पे आते हैं और इसको चेक करते हैं कि इससे हम इस पर हम लोग सेफ हैं कि नहीं। तो अमेजन जो .com है उसकी वेबसाइट में हम लोग गए हैं, और फिर उसके बाद उसको हम लोग खोल लेंगे। वेबसाइट ओपन जब करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे जो ये 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक किए तो हमको यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। आई बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा आ जाता है योर कनेक्शन इज सिक्योर, तो आप यहाँ पे सेफ है। कोई वेबसाइट आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, खोलिए बेसिक, उसको आपको ओपन करना है तो करिए, लेकिन एक बार ये चेक जरूर कर लीजिए कि वो कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं। जो फ्रॉड वाली वेबसाइट होती है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं होती है, तो ये आप करके देखिए। चलिए एक चीज और हम देखते हैं जनरली जो लोग करते हैं। अब अमेजन को हमने देख लिया, अब हम SBI पे चलते हैं। सब लोग करते हैं यार, SBI के बारे में सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है, ये सिक्योर है, इस पर सब कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या आता है। आप गए यहाँ पे और देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको पूरा जो है मिलेगा, वो कनेक्शन इज सिक्योर। तो इसका मतलब है कि हमको वेबसाइट पे चेक करना है, जाना है, विजिट करना है वहाँ पे जो भी आपको लिंक आया है, और एक बार जरूर चेक करके देखिए कि आपका कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं। फुल प्रूफ हो जाइए 100% श्योर कि कनेक्शन आपका सिक्योर है, तभी आप उस वेबसाइट पे विजिट करिए। दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए कि आपका पैसा ना फंसे, कटे नहीं, और जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप लोग बचे रहिए। वीडियो अगर दोस्त अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट हमेशा करें जो भी आपको लगे, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।